हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू होम एजुकेशन एंड क्रिएटिविटी। आज मैं एक और वीडियो आपके लिए लेकर आई हूँ कर्टन टाई बैक होल्डर्स बनाने का। मेरे प्रीवियस कर्टन टाई बैक होल्डर्स के वीडियो को आपने काफ़ी पसंद किया, थैंक यू सो मच। तो देखिए आज का पहला DIY। तो इसके लिए मैंने इस तरह से एक पुराने जीन्स की ये स्ट्रिप्स कट कर ली है। आप चाहो तो यहाँ पे जूट का फैब्रिक ले सकते हो या कोई इस तरह का वाइड रिबन यूज़ कर सकते हो या जो भी कपड़ा अवेलेबल हो उसको भी आप यहाँ यूज़ कर सकते हो। तो इस तरह से मैंने 3 साइज़ की ये स्ट्रिप्स कट कर ली है, लंबी, उससे छोटी और उससे छोटी। तो ये 2 है, अब एक मीडियम साइज़ की और मैं कट करने वाली हूँ यहाँ पर। तो इनको पहले, इनके जो कॉर्नर्स है इनको यहाँ पे मैं किसी भी एथेसिव की हेल्प से यहाँ पे पेस्ट कर लूँगी। अगर आप चाहो तो इनको स्टिच भी कर सकते हो। मैं यहाँ पे फेवी बॉन्ड का यूज़ करके इनको स्टिक करने वाली हूँ। तो इस तरह से मैंने इनके कॉर्नर्स को यहाँ पे पेस्ट कर लिया है और अब मैं इसे ड्राई होने के लिए साइड में रख दूँगी और मैं दूसरी वाली को पेस्ट करूँगी। इसी तरीके से 3rd वाले स्ट्रिप के भी कॉर्नर्स को हम इस तरह से पेस्ट कर लेंगे। तो ये 3 अलग अलग साइज़ की रेडी हो गई है। अब इनको एक के ऊपर एक इस तरह से मैं प्लेस कर इनकी लोकेशन सेट कर लूँगी। अब ये एक क्राफ्ट वायर है, इसकी हेल्प से मैं इसको टाई करने वाली हूँ। अगर आप चाहो तो यहाँ पे किसी भी थ्रेड का यूज़ कर सकते हो, बट क्योंकि मेरे पास ये वायर अवेलेबल है और जीन्स का कपड़ा थोड़ा मोटा है तो मैं यहाँ पर इस वायर को यूज़ करने वाली हूँ। तो इस तरह से मैंने इसको टाई कर लिया है। अब ये वायर दिखाई ना दे तो इसको कवर करने के लिए मैंने इसी तरह से एक छोटा सा फैब्रिक का पीस लिया है यहाँ पे जीन्स का, और इसकी कॉर्नर्स को फोल्ड करके मैंने यहाँ पे इस तरह से पेस्ट कर लिया है। अब इस फैब्रिक पे मैं एथेसिव लगा के इस तरह से इसकी ऊपर वाली पोजीशन से इस पर पेस्ट कर दूँगी। और ये जो एक्स्ट्रा लेंथ है इसकी, इसको मैं यहाँ पर सीज़र की हेल्प से कट कर दूँगी और इसको पीछे की तरफ यहाँ पर ही पेस्ट कर दूँगी। तो बस हो गया हमारा बर्लप बो रेडी। अब इसको थोड़ी सी ग्रेस देने के लिए मैंने यहाँ पे एक मोती स्टिच किया है। तो इस तरह का कोई भी मोती आपके पास हो तो आप यूज़ कर सकते हो, या कोई भी और स्टोन बटन या कुछ भी इसको डेकोरेट करने के लिए यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने निडल और थ्रेड से इस मोती को टाई कर लिया है, इससे ये बो थोड़ा सा मजबूत भी हो गया और मेरा मोती भी टाई होकर रेडी हो गया है। अब इस तरह से एक थ्रेड मैंने लिया है, यहाँ पे आप कोई भी यान या रस्सी या कुछ भी ले सकते हो जिससे आप इसको कर्टन से टाई करोगे। इसको भी हम स्टिच कर देंगे। तो ये हो गया हमारा पहला कर्टन टाई बैक होल्डर तैयार। तो देखिए फ्रेंड्स, कोई भी खर्चा नहीं हुआ है इसमें, पुरानी जीन्स के बचे हुए कपड़े से बना है और ये बहुत ही सुंदर लग रहा है। आप ऐसे किसी भी वेस्ट कपड़े से इसे बना सकते हो। अगला कर्टन होल्डर बनाने के लिए मैंने ली है इस तरह से एक वेस्ट पड़ी वायर। ये वायर ऐसी डिस्कार्डेड पड़ी हुई थी जंक में, तो इस वायर को मैंने अपने रिक्वायर्ड साइज़ के अकॉर्डिंग कट कर लिया है। इतनी लेंथ ले इसकी कि ये कर्टन के अराउंड टक हो जाए, थोड़ी सी एक्स्ट्रा। और ये कुछ मोती रखे हुए थे मेरे पास, इनको मैंने इस वायर में इस तरह से पिरो लिया है और 2 मोटे मोटे मोती लिए। मेरे पास जो अवेलेबल थे मैंने यही लिए। अगर आपके पास राउंड बड़े मोती हो तो आप उनका यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर। और ये मैंने ली है 2 छोटी छोटी मैग्नेट्स जो मैं इनकी टिप्स पे चिपकाने वाली हूँ। अब ये बड़े वाले मोती इन वायर में पिरो के इस वायर को हम सामने से अच्छी तरह से मोड़ लेंगे, रोटेट करके, ट्विस्ट करके, ताकि ये चुभे ना और ये अंदर की तरफ थोड़ा अच्छे से फोल्ड हो जाए और हमें मैग्नेट पेस्ट करने के लिए यहाँ पर जगह मिल जाए। तो देखिए इस तरह से मैंने दोनों एंड पर ये मोती इस तरह से पिरो लिए और पिरोने के बाद इस वायर को ट्विस्ट करके मैं फोल्ड कर दूँगी। अब जब ये वायर्स मैंने इस तरह से दबा दिए, यहाँ पे मैं पेस्ट करने वाली हूँ दोनों मैग्नेट्स को। तो ये मैं करूँगी फेविक्विक की हेल्प से ताकि ये स्ट्रॉन्ग चिपक जाए। और ये देखिए ये मैग्नेट्स भी मैंने इसके सामने चिपका दी है। तो बस हो गया हमारा कर्टन टाई बैक होल्डर तैयार। अगर आपके पास मैग्नेट्स ना हो तो आप इन वायर्स को ट्विस्ट करके इस तरह से भी अपने कर्टन को टाई कर सकते हो।
अगला कर्टन होल्डर भी मैं बनाऊंगी ये डेनिम के एक बचे हुए कपड़े की स्ट्रिप से। यहाँ पे आप कोई भी कपड़ा लेके उसके एडजस को सील सकते हो, या फिर आप क्रोशिए से भी इस तरह की स्ट्रिप तैयार कर सकते हो और उसे यूज़ कर सकते हो। अगर आपको क्रोशिया चलाना आता है तो आप क्रोशिए से अलग अलग कलर के इस तरह के कर्टन होल्डर्स बना सकते हो। तो मैं यहाँ पे फैब्रिक का ही यूज़ करने वाली हूँ। पहले मैं इसके दोनों कॉर्नर्स को इस तरह से स्टिच कर दूँगी। अगर आप पेस्ट करना चाहो तो पेस्ट कर लें। और इस तरह की टच बटन ईजिली किसी भी टेलर शॉप पर मिल जाते हैं। ये बटन मैं लेकर दोनों एडजेस पे इस तरह से लगा दूंगी ताकि ये ऐसे इजीली बंद हो पाए। तो ये देखिए मैंने ऐसे बटन्स लगा दिए हैं, एक ऊपर की तरफ और जो ओपनिंग है वो नीचे की तरफ। अब ऐसी एक लेस रखी हुई है मेरे पास, यहाँ पे आप कोई भी सामान ले सकते हो डेकोरेशन का, जिसकी हेल्प से आप अपने इस फैब्रिक को एक डेकोरेटिव लुक दे सकते हो। तो ये लेस थोड़ी फ्लावरी शेप की है, अगर आप चाहो तो हैंडमेड फ्लावर्स भी इसके ऊपर लगा सकते हो। तो इस लेस को ही मैं इसके ऊपर स्टिच करने वाली हूँ। इसको ग्लूगन की हेल्प से आप चिपका भी सकते हो या कोई भी एथेसिव लेके भी इसे चिपकाया जा सकता है वेरी इजीली। ये देखिए बस हो गया हमारा खूबसूरत सा कर्टन टाई बैक होल्डर तैयार। तो घर में बचे हुए सामान से ही हम काफ़ी खूबसूरत चीज़ें अपने घर के लिए बना सकते हैं और घर को सजा सकते हैं। अगले DIY के लिए लूँगी मैं इस तरह की स्ट्रिंग। ये ऐसी स्ट्रिंग्स अक्सर किसी भी पैजामा या लोवर्स में आती है, जो हम किसी भी यूज़ में इसे नहीं लेते हैं और आते ही निकाल के यूजुअली इसे डिस्कार्ड कर देते हैं। तो इसी स्ट्रिंग को मैं यहाँ यूज़ करने वाली हूँ कर्टन टाई बैक होल्डर बनाने के लिए। तो पहले मैंने इसके कॉर्नर्स पर ये जो प्लास्टिक का कुछ लगा हुआ था ये मैंने कट कर दिया है। करने के बाद इसको मैं 3 इक्वल साइज़ में इस तरह से डिवाइड कर लूँगी और यहाँ पर एक नॉट लगा लूँगी। यहाँ नॉट लगाने के बाद मैं दूसरी एंड पे इस तरह से एक कट लगाकर इसको गूंथने वाली हूँ चोटी की तरह, जैसे हम चोटी गूंथते हैं उसी तरह से। इस तरह से मैं क्रिस क्रॉस करके इनको गूंथ लूँगी अच्छे से। तो ये देखिए, तो इस तरह से मैंने इसका शेप रेडी कर लिया है ये नॉट्स लगा के। और जब ये एंड तक होकर तैयार हो जाएगा तो मैं लगा लूँगी एक और नॉट इसको सिक्योर करने के लिए। अब हम देंगे इसको एक डेकोरेटिव लुक। इसके लिए मैं इसकी दोनों एंड्स पे लगाने वाली हूँ एक एक टेसल। तो इसके लिए मैंने ये ऑरेंज कलर की यार्न यहाँ यूज़ की है और इसका टेसल बना के इस तरह से इसके कॉर्नर पे अच्छी तरह से टाई कर लिया है। इसी तरह से दूसरी एंड पे भी मैं अपना एक टेसल बनाकर टाई करने वाली हूँ। तो टेसल बनाना काफ़ी ईजी है फ्रेंड्स। इस तरह से यार्न को हाथ पर लपेट लें और उसको उतार कर ऊपर की तरफ इस तरह से अच्छे से नॉट लगा लें। लगाने के बाद जो नीचे वाली एंड है वहाँ से आप यार्न को कट कर दें। बस हो गया टेसल तैयार। तो इस टेसल को हम इसी तरह से इसके ऊपर टाई कर देंगे कि ये जो वाइट वाला पार्ट है वो अच्छे से हाइड हो जाए और सिर्फ टेसल्स की ही लुक इसकी कॉर्नर्स पे आए। तो ये देखिए, इस तरह से मैंने दोनों टेसल इस पर टाई कर लिए हैं। तो हो गया मेरा अगला कर्टन टाई तैयार। अगला टाई बैक मैं बनाने वाली हूँ इस तरह के पुराने फैब्रिक से। इसको बनाने में मुझे काफ़ी टाइम लगा फ्रेंड्स, लेकिन इसका एंड रिज़ल्ट बहुत ही खूबसूरत है। मैं कहूँगी इसको आप ज़रूर ट्राई करें अपने बच्चों के रूम को डेकोरेट करने के लिए। तो इसके लिए मैंने फैब्रिक पे सर्कल्स ड्रॉ करके इस तरह से 12 सर्कल्स कट कर लिए हैं। और ये 12 सर्कल्स कट करने के बाद इस तरह से इनको सील लेंगे हम कॉर्नर्स पे और इनमें हम फोम फिल करेंगे। तो अगर आपके पास कोई भी पुराना कुशन या पिलो पड़ा हो तो आप उसका कॉटन या फोम यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे मैंने 2 सर्कल लेकर इनको आपस में इस तरह से सील लिया है और थोड़ी सी ओपनिंग रखी है। इसको सीधा करके इस ओपनिंग में से मैं ये फोम फिल कर लूँगी। तो इसी तरह से जब ये फोम फिल हो जाएगा तो इसका जो ओपनिंग है इसको भी मैं स्टिच करके क्लोज कर दूँगी। तो इस तरह से मैं सारे के सारे ये टोटली 6 अपने छोटे छोटे कुशन्स राउंड यहाँ पे बना लूँगी। तो ये आइडिया मैं यहाँ पे कर्टन टाई बनाने के लिए यूज़ कर रही हूँ। सेम वे आप चाहो तो अपने बच्चों के रूम के लिए कुशन भी रेडी कर सकते हो। आपको बस बड़े सर्कल काटने हैं छोटे की जगह और थोड़ा ज़्यादा फोम चाहिएगा। और सेम तरीके से आप अपने बच्चों के रूम के लिए कुशन भी बना सकते हो। तो इस तरह से मैंने सारे जो सर्कल्स थे उनमें फोम भर लिया है। एक फोम जो है वो एक सर्कल में सेंटर में रखने वाली हूँ, उसमें मैंने थोड़ी एक्स्ट्रा फोम भरी है।
और इस तरह से मैंने अरेंजमेंट करके देख लिया है। तो मैं यहाँ पे एक फ्लावर का शेप बनाने वाली हूँ इनका, तो इसी फ्लावर शेप में मैंने इनको निडल थ्रेड की हेल्प से स्टिच कर लिया है। अब इसको थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाने के लिए मैंने लिया है येलो यार्न, और इसके जो कॉर्नर्स हैं यहाँ पे एडजस्ट पे पूरे अराउंड में इसके लगा दूँगी इस तरह से चेन स्टिच। तो ये चेन स्टिच करना काफ़ी ईजी है, आपको बस इस थ्रेड के बीच में से अपनी निडल को निकालना है और यही प्रोसीजर आप फॉलो करते रहिए। तो ऐसे निडल अंदर लेंगे और हम थ्रेड के बीच में से ही इसे ऊपर की तरफ निकाल लेंगे। तो इसी तरह से ये चेन स्टिच यूज़ करके मैं इस पूरे फ्लावर को कवर कर लूँगी। जब इस फ्लावर की एडजस्ट रेडी है तो जो सेंट्रल पार्ट है इसको भी मैं चेन स्टिच से ही कवर कर लूँगी। अब मैं यहाँ पे फिर से अपनी लोअर की ही एक स्ट्रिंग यूज़ करने वाली हूँ, और इसको अगर आप चाहो तो इस तरह से डबल फोल्ड करके इसके किसी एक कॉर्नर पे स्टिच कर दें इस तरह से, या फिर आप इसको सेंटर में भी इसके स्टिच कर सकते हो। तो जैसे आपको कन्वीनियंट कम अच्छा लगता है वैसे आप इसको स्टिच कर लें। तो मुझे जो पहले वाला मेथड था वो ज़्यादा अच्छा लगा, तो मैं इस तरह से इसको डबल फोल्ड करके इसके एक कॉर्नर पर यहाँ पर स्टिच कर लूँगी। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशंस मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।